प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भावस्था के अंदर कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कब से खाना शुरू करना चाहिए, कौन से ड्राई फ्रूट्स गर्म पड़ते हैं, इनको खाने का क्या सही तरीका होता है, इन्हीं सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको डिटेल में समझाऊँगी बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर, पिस्ता, किशमिश, खुरमानी, इन सबको खाने का क्या है सही तरीका, कब से करना है शुरू और कितना आप खा सकते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले जानते हैं अखरोट के बारे में। अखरोट जो कि वॉलनट्स, जिन्हें कि इन जनरल कहा जाता है, खाते हुए लोग बहुत सी बार ना ड्राई फ्रूट्स खाते हुए डरते हैं कि गर्म पड़ेंगे, पर आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन्हें हम पावर पैक फ्रूट्स कहते हैं, यानी कि ये बहुत सारा इनके अंदर खजाना भरा होता है, ये काफ़ी रिच होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, विटामिन्स के अंदर, फाइबर के अंदर, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ होते हैं, लेकिन इनको खाने का डेफिनेटली सही तरीका और सही समय जानना ज़रूरी है। तो चलिए अखरोट के बारे में जानते हैं। अखरोट जो कि आप बहुत ही आराम से अच्छे से खा सकते हैं, उसको खाने में कोई भी रिस्क नहीं है, आप उसे पहले महीने से ही शुरू कर सकते हैं और उसे करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अखरोट के अंदर होता है अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, फाइबर और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जी हाँ, अगर आप अखरोट खाएंगे तो बच्चे का जो दिमाग है वह बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होगा। तो अखरोट का कंजम्पशन डेफिनेटली ज़रूर से कीजिए। अखरोट को आप डायरेक्टली ले सकती हैं, भिगो के लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भिगो के लेना पसंद है तो आप भिगो के भी ले सकती हैं। आप दिन के मैक्सिमम 3 से 4 अखरोट खा सकते हैं, 1-2 तो आपको लेने ही लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, 4 को क्रॉस नहीं करना है, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा हो जाएंगे, आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। दिन के 1 से 2 अखरोट तो मिनिमम लेने ही लेने हैं। तो अखरोट शुरू कीजिए, आप पहले महीने से ही शुरू कर दीजिए और 1 से 2 तो मिनिमम लीजिए लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4। अगली चीज़ जिस पर हम आते हैं वो है बादाम। बादाम जिसे कि हम एलमंड्स भी कहते हैं, ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सब होता है, जिसके कारण कि बच्चे का ना केवल हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके दांत की अच्छी ग्रोथ होती है, बल्कि वह भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्पफुल रहता है। बादाम को खाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि इसे हम ओवरनाइट सोक करके खाना रिकमेंड करते हैं, यानी कि रात में आप भिगो के खाइए इसे, क्योंकि भिगो के खाने से जो आउटर लेयर होती है उसकी वो हट जाती है, जिसके कारण कि कुछ जो उसका डाइजेशन होता है वो बेहतर हो जाता है अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करके यानी कि रात भर भिगो के खाते हैं। आप 10 से 15 बादाम ले सकती हैं और इसे भी आप पहले महीने से ही शुरू कर सकती हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी शुरू कर ही देना चाहिए बादाम को भी। बादाम पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में उसे देख सकती हैं। अगला आते हैं हम किशमिश के ऊपर। किशमिश जो होती है, जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है किशमिश। आप आराम से 15-20 किशमिश का प्रयोग कर सकती हैं। किशमिश आप डायरेक्टली भी ले सकती हैं, भिगो के भी ले सकती हैं। किशमिश लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो एक तो आयरन में अच्छी होती है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन रहता है, और दूसरा वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसको वो कम कर देती है, वो एक लेग्जेटिव की तरह काम करती है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग ड्राई फ्रूट्स को यानी कि अखरोट बादाम को किशमिश के साथ कंबाइन करते हैं और बोलते हैं कि इससे उनकी गर्मी कम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है ये लेग्जेटिव की तरह काम करता है, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है किशमिश, और नमक, नमकीन और मीठे का एक कॉम्बिनेशन और अच्छा बन जाता है, टेस्ट के अंदर भी अच्छा लगता है। अगला आते हैं हम पिस्ता के ऊपर। जी हाँ, पिस्ता भी न्यूट्रिशियस आइटम है। पिस्ते को आप 5 से 10 तक कंज्यूम, पिस्ता के अंदर कैल्शियम, आयरन और फोलेट होता है। पिस्ते को भी आप शुरू के 2-3 महीने से शुरू कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं, लेकिन 5 से 10 से ज़्यादा पिस्ता का कंजम्पशन नहीं रखिए, उससे ज़्यादा में वो आपको तकलीफ दे सकता है। उसके बाद हम आते हैं अंजीर के ऊपर। जी हाँ, दिन का 1 से 2 अंजीर रेगुलरली लीजिए, 2 अंजीर को क्रॉस नहीं कीजिएगा। अंजीर आयरन में, कैल्शियम में रिच होता है, फाइबर भी अच्छे अमाउंट में होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा। अगला आते हैं हम एप्रिकॉट के ऊपर। एप्रिकॉट जैसे कि खुरमानी कहा जाता है, यह विटामिन ए के अंदर, ई के अंदर, आयरन के अंदर, फाइबर के अंदर रिच होता है। ये आपके अंदर होने वाले
ब्लड प्रेशर के बढ़ने की शिकायत को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है, प्रीएक्लेम्शिया को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक रखता है। तो दिन से 3 से 4 आप एप्रिकॉट्स, जो ड्राइड एप्रिकॉट्स होते हैं खुरमानी, वो ले सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं कैशू नट्स के ऊपर, यानी कि काजू के ऊपर। काजू जो कि बहुत ही कॉमनली कहा जाता है कि मत खाइए, अगर खाएंगे तो बच्चा चिपक जाएगा, डिलीवरी नहीं होगी, या बहुत नुकसान करते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप काजू का प्रयोग कर सकती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जहाँ अखरोट और बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, काजू उतना फ़ायदा नहीं करता, और थोड़ा सा काजू के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा के साइड में होता है। अगर आप पतली दुबली हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से काजू का प्रयोग कर सकती हैं। काजू जो कि रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि मनाही है उसको लेने की, आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हायर साइड में चलता है, तो काजू को लेना आप अवॉइड कीजिए। काजू भी प्रोटीन के अंदर डेंस होता है, उसे आप ले सकते हैं। डेफिनेटली कैल्शियम आयरन में भी रिच है काजू, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल भी मनाही नहीं। 5 से 10 काजू का प्रयोग आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता हो। खजूर का प्रयोग अगर आप शुरू के महीनों में करना चाहती हैं, तो शुरू के 3 महीने में तो आप उसको 1 से 2 ही ले सकती हैं, आखिर के महीनों में आप उससे मैक्सिमम 3 से 4 ले सकती हैं। खजूर के अंदर जो पाया जाने वाला आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके मसल क्राम्प्स वगैरह को कम करता है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में पैरों में बायटा आ जाता है, ऐठन आ जाती है, मसल क्राम्प्स बहुत कॉमनली आ रहे होते हैं, तो ये उनको कम करके रखता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, आपका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करता है। तो डेफिनेटली डेट्स का प्रयोग कीजिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर, 1 से 2 शुरू के 3 महीनों में, और आखिर के महीनों में मैक्सिमम 3 to 4, उससे ज़्यादा आपको डेट्स खजूर नहीं लेने हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को बहुत से लोग तो सीधे ही खा पाते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सीधे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं खा सकती, तो आप इनका ड्राइड फॉर्म में पाउडर बनाकर रख सकती हैं, जिसको कि आप भले ही दूध में डालकर ले सकती हैं। बहुत से लोग इसको सलाद के अंदर काट के, थोड़ा सैलड्स के अंदर थोड़ा अमाउंट में डाल के खाना पसंद करते हैं। फ्रूट सैलड और नट्स की सैलड बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, स्मूदीज के अंदर यूज़ किया जाता है, मिल्क शेक के अंदर यूज़ किया जाता है, डेजर्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, पुडिंग में डाला जा सकता है, और कुछ ना मिले तो लड्डू बना लीजिए और लड्डू बना के खाइए। परंतु डेफिनेटली इनका प्रयोग ज़रूर से कीजिए, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है, पावर पैक फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके अच्छे हड्डियों के ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग ज़रूर से कीजिए प्रेगनेंसी के अंदर। कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।